हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब सॉल्व करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट टू। पार्ट वन में 1 से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे और पार्ट टू में 7 से आगे हम सब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ कोट 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। मतलब चेक करना है, यहाँ गिवन है 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4, तो आपको चेक करना है इतने के बराबर इतना होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम सब ये लेके चलते हैं 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4, सो कोट ए आपका हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। अब हम सब इसका LHS पार्ट सॉल्व करेंगे। LHS पार्ट सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे LHS क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1 माइनस 10 का इन्वर्ट क्या होता है, 1 अपॉन कॉट, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते थे, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसको जब आप एलसीएम लेते तो ये हो जाता कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये हो जाता कोट स्क्वायर ए, और पूरे के डिवाइड में ये आ जाता। फिर इसको आप सॉल्व करते तो अब क्या हो जाता, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। इसको फर्दर सॉल्व करते तो ये है डिवीजन। अगर आप नीचे वाले पूरे पार्ट को, डिनोमिनेटर को इन्वर्ट कर देते तो ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता। सो कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इंटू, ये डिवीजन अब मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा, तब क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। सो कोट स्क्वायर ए अपॉन क्या है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, सो ये कोट आपका हो गया। अब यहाँ आपके पास बचा कोट स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1, सो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसमें आप क्या कर सकते थे, इसमें आप कोट ए का वैल्यू को पुट कर सकते थे, पुटिंग कोट ए इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, जिसके इक्वल में क्या आया था, जिसके इक्वल में आया था कोट स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। सो कोट के जगह में आप लिखते 4/3 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ फिर से 4/3 का स्क्वायर प्लस 1, सो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 16 अपॉन 9 माइनस 1 16 अपॉन 9 प्लस 1, सो ये हो जाता 16 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 9 अपॉन 16 प्लस 9, सो ये क्या हो जाता 7 अपॉन 25। सो LHS जो हमारा आया इतना, वो क्या आया 7 अपॉन 25। अब इसके दूसरे पार्ट को हम सब सॉल्व करेंगे।
ये हमारा अभी तक आ चुका है 7/25, ठीक है ना। दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है, तो दूसरे पार्ट मतलब RHS को सॉल्व करने के लिए आप इसी का हेल्प लेंगे, ठीक है। और एक ट्रायंगल आप यहाँ बनाएंगे और इसमें कोस और साइन का वैल्यू निकालेंगे। तो क्योंकि एंगल ए पर बन रहा है तो ये ए होगा आपका, और ये राइट एंगल आप इसे बी कंसिडर करें, सी। तो कोट होता है टेन का उल्टा, या कोट होता है कोट ए, आप क्या लिख सकते थे, टेन ए होता है पी बाय बी। तो कोट क्या हो जाता, बी बाय पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस ए बी है और परपेंडिकुलर बी सी है, हमेशा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और एंगल के साथ वाला ये बेस होगा। सो ये आपका गिवन है ए बी बाई बी सी का रेशियो 4/3, मतलब ए बी को अगर हम 4k कंसिडर करते हैं तब हमारा बी सी क्या हो जाएगा, 3k। 4 और 3 डायरेक्टली नहीं हो सकता है, कोफिशियंट के साथ इक्वल होगा। सो आपका ए बी अब क्या हो गया, ए बी हो गया 4k और बी सी हो गया बी सी 3k। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है कोस और साइन। तो इसमें ये दोनों वैल्यू आपको मालूम है, तो ये ए सी भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। ए सी स्क्वायर क्या होता, पाइथागोरस थ्योरम से आपका होता ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाता, 16k स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाता, 9k स्क्वायर, ये हो जाता आपका 25k स्क्वायर। और जब आप ए सी का वैल्यू लेते तो केवल इसमें से 5k होता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ कंसिडर नहीं करते, नेगेटिव लेंथ का वैल्यू जो होता है नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है। ए सी का वैल्यू आ गया, पहले से आपको ए बी और बी सी का वैल्यू मालूम है। अब इसमें आपको निकालना है साइन और कोस, और दोनों के स्क्वायर को घटा देना है, ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो इतना इक्वल होना चाहिए, तब ये इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो साइन ए आप क्या लिखते हैं, इसमें साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर बी सी है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, ए सी, ठीक है। सो बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 3k, और ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू अभी हम सब ने कैलकुलेट किया है 5k। सो साइन ए का वैल्यू यहाँ से मिल गया 3/5। अब इसी तरह आप कोस ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, कोस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम सब, कोस ए, कोस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ए सी। सो ए बी है हमारा 4k और ए सी है 5k। सो कोस ए हमारा हो गया 4/5। अब यहाँ RHS लेके चलते हैं हम सब, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का वैल्यू कितना है, 4/5 होल स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू कितना है, 3/5 होल स्क्वायर। ये हो गया 16, ये 25 माइनस 9, 25, ठीक है, 16 माइनस 9 7/25। देखिए ये वैल्यू मैच कर गया, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब दिस इक्वेशन इज ट्रू, ठीक है। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, कितना आया वो हमारा आया है 7/25, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है 7/25, सो ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B,
इफ 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां दो वैल्यू निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, दूसरा जो वैल्यू है कोस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो तरीका है वो ये है कि आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का फॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे साइन ए कॉस सी प्लस, यहाँ ए बी करके करते हैं ठीक है ना, प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये होता है आपका साइन ए प्लस बी ठीक है ना, ए प्लस बी। अब यहाँ इतना अगर लंबा आप कैलकुलेशन करें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा ये कैलकुलेशन करें। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, एंगल ए एंगल बी, दोनों एंगल मालूम होना चाहिए। तो यहाँ जो आपको ट्रायंगल दिया है वो क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया है, और राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, और एंगल कहाँ पर बोल रहा है, ए पर, तो ये आपका हो जाएगा सी ठीक है। और टेन ए जो आपको दे दिया है, टेन ए उसका वैल्यू 1/√3। तो एक बात आप बताइए, टेन का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है, टेन का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है, आपका टेन 30 डिग्री देता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। सो यहाँ इन दोनों को इक्वेट करने पर ए इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, 30 डिग्री ठीक है, क्योंकि टेन यहाँ इक्वेट हो जाएगा तो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब किसी तरह ए का तो जुगाड़ हो गया, अब आपको लाना है बी, यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ है सी, मतलब बी के जगह में हम कर देते सी सी ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता सी ठीक है। तो ए का तो जुगाड़ हो गया, अब करना है जुगाड़ सी का। तो सी का कैसे पता चलेगा, देखिए ए पर एंगल है 30 डिग्री ठीक है, ये ऑलरेडी आपको बताया है 90 डिग्री, और ये एंगल क्या होगा, तब ये एंगल होगा आपको 90 माइनस थीटा, यानी ये 90 माइनस 30, मतलब ये है आपका वैल्यू 60 डिग्री, मतलब सी का वैल्यू जो है, एंगल सी का वैल्यू है 60 डिग्री। अब आपको कैलकुलेट करना है, आप इतना ना करें कैलकुलेट, आप सीधे साइन ए प्लस सी कैलकुलेट करें, साइन ए प्लस सी क्या हो जाएगा, साइन ए के जगह में कितना 30 और सी के जगह में कितना 60, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब हम सबको ए और सी का वैल्यू मालूम है, पहला पार्ट को हम सबने कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये होता है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कोस ए प्लस सी ठीक है। जिस तरह से साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन ए साइन सी आपका होता है साइन ए प्लस सी, मतलब पहला एंगल एंड दूसरा एंगल का एडिशन, उसी तरह यहाँ क्या होगा, यहाँ कोस वाले में थोड़ा उल्टा चलता है, यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है ठीक है, कोस ए प्लस सी। सो कोस ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, प्लस सी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, कोस 30 प्लस 60 क्या हो गया 90, और कोस 90 हो जाएगा 0, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते थे, और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, पहले क्या करते, आप साइन ए निकालते,
फिर कोस सी निकालते, फिर कोस ए निकालते, फिर साइन सी निकालते और सारे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, तब आपका वैल्यू आता है। उससे अच्छा है कि इतने के बराबर हम एक फॉर्मूला याद कर ले, साइन ए प्लस सी, ठीक है। और एंगल का वैल्यू यहाँ तो आप निकाल ही लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यहां गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, यहां आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। सो यहां आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, इसमें राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल आपको बताया है क्यू पर है, ठीक है। तो ये एंगल आप पी कंसिडर कर लें, तो ये पी क्यू और एक दूसरा आर भी है, तो ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है। सो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। गिवन क्या है, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू यहाँ हम इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर और आपका क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया गया है और पी आर का भी वैल्यू नहीं दिया गया है। तो इन सब वैल्यू को हम सब कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो यहां पी क्यू का वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है। सो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। सो पी क्यू का जो वैल्यू है वो 5 है, इसको हम सब यहाँ रखते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब इसको क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते थे ए प्लस बी इंटू ए पी आर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब इसका देखिए फायदा क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर आपको पहले से पता है, पी आर प्लस क्यू आर 25, ठीक है, ये आप रख दिए 25 और यहाँ है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। सो ये आपका पी आर माइनस क्यू आर होगी 1, ये डिवाइड होके कट जाएगा 1 होगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1, 2 से हम सब देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 पी आर प्लस क्यू आर आपको गिवन है 25 और पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर आपको गिवन है 1। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2 पी आर इज इक्वल्स टू 26। सो पी आर आपको मिल गया 13। सो पी आर का वैल्यू आपको मिल गया 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में है।
अब पी आर का वैल्यू मिल गया तो अब क्या करेंगे, आप क्यू आर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इनमें से किसी एक पर रख लें या इस इक्वेशन में रख लें, इक्वेशन वन या इक्वेशन टू। इक्वेशन वन में हम रखते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम वन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। अब पी आर का वैल्यू यहाँ रख दें 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। सो क्यू आर आपको हो गया 25 माइनस 13, सो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो क्यू आर का भी वैल्यू हम सब ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम सब साइन पी कोस पी और टेन पी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ साइन पी जब आप लिखते, साइन पी तो पी पर एंगल बोल रहे हैं, ठीक है, साइन पी पी पर क्या हो जाता, साइन पी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, साइन में होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ, परपेंडिकुलर पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना निकाला गया है, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ है क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर है क्यू आर और हाइपोटेन्यूस है पी आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। सो आपका साइन पी हो गया 12/13। इसी तरह कोस पी आप लिखते, कोस पी, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है पी क्यू, हाइपोटेन्यूस कितना है पी आर। सो पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका 5 और पी आर कितना है, पी आर है 13, ठीक है, सो सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। सो आपका कोस पी जो आया वो 5/13 आया, ठीक है, और टेन पी निकालना है तो साइन बाय कोस कर लें, टेन पी क्या हो जाएगा, साइन पी बाय कोस पी, साइन पी का वैल्यू कितना है 12/13 और कोस पी का वैल्यू 5/13, तो ये क्या हो जाएगा 12/13 इंटू 13/5, 13 कैंसिल हो जाता। सो आपका टेन पी का जो वैल्यू आ जाएगा, टेन पी वो आ जाएगा 12/5। तो ये हो गया आपका सारा कैलकुलेशन। अब 11 में जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स पर है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 10 45 का वैल्यू खुद 1 होता है, ठीक है ना, तो ये तो लेस देन 1 हुआ नहीं। दूसरा है सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो कैलकुलेशन से ये आपका ट्रू आएगा क्योंकि साइन सेक ए दिया है, सेक ए आपको दिया है 12/5, तो ये वैल्यू पॉसिबल है या नहीं पूछ रहा है, तो ये आप कोस ए कर देते तो क्या हो जाता, ये उलट जाता 5/12, ठीक है, या फिर इससे भी आप कर सकते थे, जनरली कोस में क्या होता है बी बाय एच, तो यहाँ आपको कोफिशियंट के साथ बता रहा है कि बेस जो है वो छोटा है हाइपोटेन्यूस से, तो ऑब्वियसली हमेशा हाइपोटेन्यूस जो होगा वो बड़ा होगा इन दोनों से, तो ऐसा इक्वेशन पॉसिबल है हमेशा हाइपोटेन्यूस, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमेशा ये जो होगा इन दोनों से बड़ा ही होगा, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन हो रहा है तो ये ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए इन दोनों से। तीसरा जो है वो फॉल्स है और चौथा भी जो है वो फॉल्स है, पांचवा भी फॉल्स हो जाएगा इसी तरह जैसा बताया गया। साइन थीटा है 4/3, ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूस छोटा लग रहा है, तो हाइपोटेन्यूस छोटा कभी नहीं होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा,
सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें।